हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आज आप देख रहे हैं, मैंने कलियों वाला प्लाजो बनाया है, तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। परी हैं हमारी, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि दीदी आप हमें कली वाला प्लाजो कट करके दिखाओ, और रवीना जी ने भी बोला था, तो उनकी रिक्वेस्ट पर मैंने आज कली वाला प्लाजो बनाया है। ये मैंने 6 कलियाँ डालकर बनाया है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक लुक मैं आपको दिखा देती हूँ इस प्लाज़ो की। तो आप देखिए, ये 6 कली वाला प्लाज़ो बन गया है। इसके लिए मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया है, तो 3 मीटर कपड़े में ये इजीली बन जाता है। 3 मीटर कपड़े को आपने डबल फोल्ड कर लेना है, और जो हिप का साइज़ हमें चाहिए होता है, हिप का साइज़ सिर्फ आपने लेना है। उसके बाद आपका जो प्लाज़ो है वो कट जाएगा, एक नाप से ये प्लाज़ो बनकर रेडी हो जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए मैं आपको पहले कलियों का हिसाब बता देती हूँ, वो कैसे निकालना है। इसमें हमने 6 कलियाँ डालनी हैं। 21 इंच हिप होगी, 6 कलियाँ हो गई हमारी, ये हमारा 27 हो गया एक साइड का। और इसमें अब हमने मार्जिन भी लेना है, 6 कलियाँ हैं तो ये हमारी कलियों का 27 इंच टोटल बन गया। इसका जो ऊपर का हिप का साइज़ है, तो 27 को हमने अब डिवाइड करना है 6 से, तो ये 4.5 आता है। लेकिन यहाँ पे हम आधा इंच मार्जिन का भी लेंगे, तो यहाँ पे 5 इंच की एक कली डालेंगे। एक कली ऊपर से 5 इंच की डालेंगे, नीचे से 11 इंच या फिर 12 इंच की कली रखेंगे, जिससे घेरे के हिसाब से। जैसे 6 कलियाँ डालनी है, अगर 12 की बनेगी तो फिर घेरा आप देख लें कि इतना घेरा हमें ठीक रहेगा। अगर आपने 11 की डालनी है, कपड़े के हिसाब से डलेगी। अब हम लेते हैं 12 इंच की कली ले लेंगे, 6 कलियां डालनी है। तो चलिए अब इसकी हम कटिंग करते हैं। अब यहां पे पहले हम 5 इंच की कली लगाएंगे। मैं इस साइड से दिखाती हूँ। ये देखिए, यहां पे 5 इंच की कली लगाई, यहां पे ये 5 इंच का निशान लगा लिया। और पहले इसकी लंबाई सेट करते हैं। जैसे लंबाई लेनी है, मैंने यहां पे 38 इंच लंबाई लगानी है, तो यहां पे टोटल 38 इंच लगा लेते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ इसमें बेल्ट लगेगी 2 इंच की। जो 2 इंच की बेल्ट लगेगी, नीचे से उतना ही फोल्ड हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे पूरे कपड़े में इस तरह 38 इंच का निशान बना लेते हैं, इस तरह पूरे में बना लेंगे। यहां से हमने 5 इंच लगाया ऊपर की तरफ से, यहाँ पे जो निशान है वहां पे 12 इंच लगा दिया। 12 इंच लगाया, फिर हमने 5 इंच लगाना है, फिर हमने यहाँ पे 12 इंच लगाना है, फिर हमने यहाँ पे 5 इंच लगाना है। ये देख लेते हैं, अब ये 10 इंच बचा है। तो ये निशान है जो अब हमारा कलियों का, ये 11 इंच का लगेगा, क्योंकि मार्जिन हमने बराबर रखना है। ये 11 इंच लगा लिया, 12 के हिसाब से थोड़ा कपड़ा कम हो रहा है। यहाँ पे 5 इंच का लगा लिया, यहाँ पे फिर अब हम 11 इंच का लगाएंगे। निशान में थोड़े लंबे लगा रही हूँ, वो वाले हमने देखने हैं, दूसरे निशान नहीं देखने, छोटे वाले। ये 5 इंच लगा लिया, ये देखिए, ये यहाँ पे अब हमने फिर 11 इंच का लगा लिया। अब यहाँ पे ये वाला निशान चल रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये 11 इंच है, इधर हमने यहाँ पे 5 का लगाया था, फिर हम 11 इंच का लगा लेंगे, उसके बाद फिर 5 का लगा लेंगे। एक कली 5 की, एक 11 की, जैसे एक का ऊपर का हिस्सा, एक का नीचे का हिस्सा, इस तरह ये निशान लगते हैं। यहाँ पे 11 और यहाँ पे लग गया 5। अब हमने देखना है इसको, ये वाला जो निशान है इसको इससे मिला देंगे, ये निशान मिलाने हैं अब हमने। ये सेकंड वाला इसके साथ सीधा आ जाएगा, अब ये इधर जाएगा, अब ये वाला यहां पे मिल जाएगा, अब इस निशान को यहां पे मिला देते हैं। अब देखिए, 1 2 3 4 5, 5 के लिए यहां से कट गई। जो 6ठी कली कटनी है वो इधर से कटेगी, और इस साइड से बेल्ट भी डालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी लंबाई कट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लंबाई का कपड़ा उतार देना है। इसका घेरा है वो आप कपड़े के हिसाब से रखें, अगर आपके कपड़े का पना ज्यादा है तो आप उसे ज्यादा रख लें। अब यहाँ पे पहले क्या करना है, इस वाले निशान को यहाँ से कट करना है। अब निशान के बिल्कुल ऊपर ऊपर कट कर लेंगे, इन सभी निशान को यही पड़ा रहने देंगे, अभी उठाएंगे नहीं, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी कैसे रखना है इनको। तिरछे से सीधा और सीधे से तिरछा जोड़ना है जब हम इन्हें जोड़ेंगे। पहले कटिंग कर लेते हैं यही निशान के ऊपर। अब देखिए, ये कलियां कट चुकी हैं। ये देखिए, ये तिरछा हिस्सा है, इसके साथ इस तरह। अब देखिए, यहाँ पे तिरछा है, ये सीधा लगेगा। अब इस कली को भी हटाएंगे। ये देखिए, 1 2 3, 3 कलियां एक लेग के लिए लगनी है।
इनको हम साइड में करते हैं, अभी एक लेग की तैयारी कर लेते हैं, ये सीधा है और यहाँ पे अब लगेगा तिरछा। ये देखिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एक साइड का घेरा रेडी हो गया है, ये घेरा बाहर की तरफ है, इतना ही घेरा पीछे है, मतलब पूरा घेरा ये एक लेग के लिए रेडी हो जाएगा ये कली वाले प्लाजो का। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पिन्स ले लेने हैं। अब आप पिन ले लें, पिन की हेल्प से सीधे से तिरछा जोड़ लें अभी इसी टाइम, क्योंकि अगर आपने बाद में जोड़ा तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि तिरछा कौन सा है और सीधा कौन सा है। अभी हम आपको जोड़ के दिखा देते हैं एक बार, ये एक एक कली नीचे वाली छोड़नी है अभी। ये देखिए ये तिरछे से सीधा जोड़ लिया और यहाँ पे पिन लगा लिया। अब यहाँ पे सिलाइयाँ लगेंगी, अब देखिए ये अब सीधा है, ये सीधा है तो यहाँ पे ये तिरछा लगेगा, ये वाला यहाँ पे घूमेगी कली, एक बार जब सेंटर आएगा तो कली घूमती है इस तरह। अब आप देख लीजिए ये, अब इसी तरह हमने आगे इस तरह ये तिरछा जुड़ेगा इसके साथ। इन छह कलियों को आपने इस तरह जोड़ लेने पिन लगा के अभी फिलहाल, उसके बाद फिर इस पे सिलाइयां लगाएंगे। अब ये कली रह गई है एक, अब इसे पहले इसे देख लें आप, ये सीधा है और यहाँ पे इस साइड तिरछा लगना है, ये देखिए ये सीधा है ये तिरछा लगेगा इसके साथ। लीजिए छह कलियां हमने इस तरह जोड़ ली हैं, अब इन पे पहले सिलाई लगाएंगे, इसी तरह हम दूसरी लेग की भी जोड़ेंगे। पहले अब इसको हटा देते हैं, ये एक लेग रेडी हो गई हमारी, दूसरी लेग की अभी एक कली कटने को है वो काट लेते हैं पहले। अब जब हमने कलियां कट करी थी तब ये कॉर्नर था जो, ये निकाल देना है, ये वेस्ट है अभी हमारा। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है, अब बचे हुए कपड़े को हमने इस तरह डबल फोल्ड करना है, तो यहां से अब हमारी एक कली निकल जाएगी, एक नहीं मतलब डबल निकालनी है, सिंगल में नहीं निकालना, डबल कपड़े में कली निकालनी है, जिस तरह हमने पहले डबल कपड़ा करके निकाली है। इस तरह हमने तय लगा लेना है कपड़े को, फोल्ड करने के बाद एक कली कोई भी उठा लेते हैं, डबल वाली है ये मेरे पास, यहाँ पे सीधी वाली साइड इस तरह रखते हैं, इस तरह सीधे वाली साइड रखेंगे इस तरह, ठीक है जी। अब हमने इस कली को इस तरह कट कर लेना है इसके ऊपर रख के, बाकी का कपड़ा ये हमारा बेल्ट वगैरह में लग जाएगा। और मैं एक चीज बता दूं आपको, ये जो प्लाजो मैंने बनाया है ये पूरा 3 मीटर कपड़ा लिया था मैंने, 3 मीटर कपड़े में ये प्लाजो हमारा बन गया है। लीजिए ये हमारी तीसरी कली कट गई है, मतलब ये 6 पीस अब हमारे पास हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये 4 हैं, 2 रखे थे हमने और 2 पीस ये है, ये 6 पीस हो गए हैं। अब हमने फिर उसी तरह करना है, ये तिरछा है हमारा, ये सीधी साइड लग जाएगी इस तरह, ये तिरछा है ये सीधी साइड लग जाएगी इस तरह। हमने इसे लगाकर कलियों को उसी तरह जोड़ लेना है जिस तरह हमने पहले जोड़ा है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, स्टिचिंग करने के लिए आपको मैंने पहले बता दिया था कि ये आप पिन जरूर लगा लें, यहाँ से एक साइड से सिलना शुरू करते हैं, जैसे ये वाली साइड पकड़ते हैं इस तरह और इसे इस तरह पकड़ के सिलाई लगाना शुरू करेंगे, और जब हम सिलाई लगाना शुरू करते हैं तो पिन को हटा देते हैं। ये सिर्फ हमने आइडिया के लिए लगाया था, सीधे और तिरछे का हिसाब रखने के लिए। इसी तरह हमने ये सारी सिलाइयाँ जो है लंबी इसी तरह लगा लेनी है, 6 सिलाइयाँ आएंगी हमारी 6 कलियाँ जोड़ने में इस तरह। मार्जिन आपने 1/2 इंच से कम का ही रखना है, ज़्यादा मार्जिन ना रखें। इसके ऊपर हम गोटा पट्टी का थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेंगे, उससे इसकी ग्रेस और भी ज़्यादा आ जाएगी। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर क्रॉच एरिया बिल्कुल नहीं कट किया, क्रॉच एरिया कलियाँ जोड़ने के बाद कट होगा, वो उस चीज़ का मैं आपको पहले बता देती हूँ। अभी एक कपड़ा है जो ये तिरछे वाला, इसको बिल्कुल भी खींचना नहीं है, अगर आपने इसको खींचा तो आपकी कली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी नीचे से। यहाँ पे एक कॉर्नर थोड़ा सा बड़ा होता है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉर्नर बढ़ेगा, ये इसलिए बढ़ जाता है, यहाँ पे हमने गोलाई देनी है। जब ये सारी कलियाँ जुड़ जाएंगी फिर मैं आपको गोलाई देकर दिखा दूंगी। ये इस तरह जुड़ गई है एक कली, अब दूसरी इसी तरह हमने पकड़कर
इस तरह जोड़ देनी है। सारी कलियां इसी तरह जोड़कर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये सारी कलियां हमने इस तरह जोड़ दी हैं। ये 6 कलियां जुड़ने के बाद इस तरह ये ऊपर का हिस्सा बन गया है और नीचे का घेरा हमारा बहुत खुला है। तो अब हमने इसमें क्रोचे एरिया जोड़ना है, मतलब कट करना है। अब सबसे पहले आप ऐसा करें, दोनों लेग्स को रेडी कर लें। दोनों लेग्स जब हमारी रेडी हो जाएंगी उसके बाद हम इसका क्रॉच एरिया यहाँ से कट करेंगे। अब देखिए, ये जब हमने कलियाँ जोड़ ली हैं तो यहाँ पे मैंने गोटा पट्टी ली है। इसकी शर्ट में भी मैंने थोड़ा सा गोटा पट्टी का काम किया है। तो यहाँ पे ये सिलाई आई है, ये जो सिलाई वाले पोर्शन को हम गोटा पट्टी से कवर कर देंगे। तो एक तो ये डिज़ाइन बन जाएगा और इसकी ग्रेस बहुत आती है। तो हमने क्या करना है, ये जो सिलाई वाला हिस्सा है इस पर गोटा पट्टी लगाएंगे। अगर आप कोई और कलर की किसी कॉम्बिनेशन मैचिंग में लेस लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, लेकिन जिस ट्रेंड के हिसाब से आजकल गोटा पट्टी चल रही है तो आप इसे लगाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल सिलाई के ऊपर ऊपर लगाना है और यहाँ पे आपने देख के लगाना है, यहाँ पे झोल नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। इस तरह कपड़े को पहले सेट कर लो, फिर पट्टी को इस तरह रखो और ऊपर से सिलाई लगा लो। और पट्टी को आपने बिल्कुल खींचना नहीं है। अगर आप गोटा पट्टी को खींचोगे तो आपके जो ये प्लाजो है, ये कलियों वाला, इसमें यहाँ पे खिंचाव आ जाएगा। आपने ढीला छोड़ के लगाना है। सभी लाइनों के ऊपर हम गोटा पट्टी लगाकर सिलाइयां लगा लेंगे। अब देखिए, ये जो कलियां हमने डाली थी, ये दोनों पल्ले, दोनों लेग्स जो हैं वो हमने एक दूसरे के ऊपर रख ली और सेटिंग कर ली है। अब हमने क्या करना है, नीचे का जो ये है, यहाँ पे एजेस थोड़े थोड़े भरे हुए थे, ये देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने इनको हल्की सी गुलाई दे देनी है। ये जो है नीचे का, ये एक्स्ट्रा है, इसको हम कट कर देंगे। पूरे प्लाजो में इस तरह हमने इसको हल्की सी गुलाई दे के कट कर देना है। ये फिनिशिंग हो जाएगी इसकी। ये लीजिए, ये दोनों लेग्स हमारी नीचे से क्लीन हो गई हैं। अब हमने यहाँ पे क्रॉच एरिया देना है। क्रॉच एरिया यहाँ पे निशान लगाना है, यहाँ पे 0.2 का निशान लगाएंगे और यहाँ पे 11 इंच के करीब क्रॉच एरिया ले लेंगे। 11 इंच है नॉर्मल नाप का, अगर बहुत ज्यादा हेल्दी है तो वहां पे 12 इंच ले लें। यहाँ पे अब 2 इंच का निशान लगाते हैं इसके अंदर। 2 इंच का मैं दूसरी साइड से दिखाती हूँ आपको। ये यहाँ पे अब 2 इंच का निशान लगाते हैं। इस निशान को यहाँ पे तिरछा मिला देंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे हमने इसको तिरछा मिला देना है और यहाँ पे अब गुलाई, ये वाला क्रॉच एरिया जब हम कट करते हैं, ये उस तरह कट करते हैं जब अम्ब्रेला स्कर्ट बनाते हैं, उस तरह का यही बनता है। अम्ब्रेला वाला बनाते हैं जब सर्कुलर प्लाजो, सेम इसी तरह क्रॉच एरिया निकालते हैं उसमें। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे क्रॉच एरिया निकल गया है। अब हमने ये पट्टी लेनी है। ये देखिए, ये मैंने पट्टी ली है यहाँ पे, ये तकरीबन 4-4.5 इंच की ये पट्टी है। मैं आपको नाप के दिखाती हूँ, मैंने आइडिया से कट किए। ये 5 इंच की पट्टी है हमारे पास। अब हमने इसे यहाँ पे इस तरह लगाना है। ये 5 इंच की जो पट्टी है, यहाँ पे आधा इंच सिलाई में आएगा, आधा इंच फोल्ड होगा और 1.5 इंच के करीब हमारी यहाँ पे इलास्टिक होगी। वो मैं आपको अब सारा सिलाई में बताती हूँ। अगर आपने अब इसके अंदर लाइनिंग लगानी है तो आप क्या करें, लाइनिंग को 4 फोल्ड में रखें इसके नीचे और ऊपर इस कपड़े को रख के आप लाइनिंग को यहाँ पे सीधा कट कर लें। लाइनिंग को इतना घेरा नहीं देना, यहाँ तक तो इतना ही रखेंगे, यहाँ से इस तरह सीधा कट कर लेंगे। चलिए अब इसकी सिलाई कर लेते हैं कंप्लीट। अब लीजिए, क्रॉच एरिया को हम जोड़ेंगे। अब इसको हमने उल्टा जोड़ना है। ये हमारी सीधी साइड है, ये जो है इस तरह रखेंगे इस क्रॉच एरिया को, इस तरह खोल लेंगे, यहाँ से इसे जोड़ना शुरू करते हैं। सर्कुलर जो ये प्लाजो होता है उसका क्रॉच एरिया भी हम इसी तरह निकालते हैं और जो ये कलियों वाला प्लाजो है इसका भी। और कलियों वाले प्लाजो की जो हमारे पास रिक्वेस्ट है बहुत दिन से आ रही थी। अब ये सिलाई लगाने के बाद क्रॉच एरिया को फिनिश करेंगे। दोनों साइड से इस तरह पकड़ लेंगे इसे और ये जो है सिलाइयाँ, इन्हें इस तरह पकड़कर इसे कंप्लीट कर देते हैं। ये सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे जो क्रॉच एरिया की ये सिलाई होती है इसे कट करना है आपने साइड से, क्योंकि यहाँ पे खिंचाव महसूस ना हो। अब हमने ऊपर की पहले पट्टी लगानी है, नीचे का हम बाद में फोल्ड करेंगे। ये जो पट्टी है वो 5 इंच की है और यहाँ पे हमने ये नीचे रखनी है। ये पट्टी भी सीधी रखी है हमने और यहाँ पे ये प्लाजो का भी सीधा हिस्सा है, इसे हम लगाएंगे
और आपने पहले नाप लेना है प्लाजो के ऊपर वाले हिस्से को कि कितना है, उसके हिसाब से आप पट्टी की कटिंग कर ले। यहाँ पे जो मेरे पास घेरा है मैंने घेरे के हिसाब से पट्टी की कटिंग कर ली है। 26 इंच एक साइड का बना था तो मैंने डबल कट कर लिया इसको। बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही क्लासी बनता है ये। और ये जो प्लाजो है आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो मिलते हैं वो स्टैंडर्ड साइज मिलते हैं, फिर आप उनको ऑल्टरेशन करते फिरोगे, इसलिए आप अपने नाप से बनाइए। बहुत इजी है बनाना। स्टेप टू स्टेप मैंने कटिंग बताई है। अब देखिए, अब ये जो पट्टी है यहाँ पे आ गई है, ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको खोलते हैं थोड़ा सा, ये देखिए ये पट्टी को, और यहाँ पे इसे इस तरह पकड़ेंगे कपड़े के, इस तरह पहले बराबर रख लेंगे और इसे इस तरह रखकर सिलाई लगा लेंगे, जो एक्स्ट्रा होगी उसे कट कर देंगे। मैंने थोड़ी सी बड़ी कट करी थी कि जोड़ना आए। अब ये देखिए, ये हमारी एक्स्ट्रा वाली मैंने कट कर दी है और यहाँ पे अब इसको सिलाई लगा देंगे। लीजिए, ये हमारी इस तरह पट्टी लग चुकी है। अब हमने क्या करना है, ये जो सिलाई है इसको दबा देना है। इस सिलाई को ऊपर की तरफ करके दबा देंगे। हमने इसके अंदर इलास्टिक डालनी है। इलास्टिक का मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ, 21 इंच की हिप है तो 42 इंच हमारा यहाँ पे टोटल राउंड है, मतलब हिप का 42 में से हम 13 या 14 इंच कम कर देते हैं, तो यहाँ पे 28 इंच, अगर 14 इंच करते हैं कम तो 28 इंच बचती है। तो ये मैंने राउंड में टोटल 28 इंच की इलास्टिक ली है। अब हमने क्या करना होता है, इस इलास्टिक को इस तरह पकड़ना है सीधा, पकड़ने के बाद एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके सिलाई लगाएंगे। मैं एक चीज आपको और बताना चाहती हूँ, इलास्टिक को आपने कभी भी इस तरह पकड़ के सिलाई नहीं लगानी है, इस तरह नहीं पकड़ना है, एक दूसरे के ऊपर रखना है। अब हम इस इलास्टिक को प्लाजो के अंदर डालेंगे। ये देखिए, यहाँ पे रखते हैं इलास्टिक, जहाँ पे जोड़ है वहाँ से लगाना शुरू करें, क्योंकि फिर लाइन का पता चल जाएगा आपको। इस तरह आपने इलास्टिक को इस जोड़ के ऊपर रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसको कपड़े को फोल्ड करते हैं और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे। बस उतना सारा कपड़ा अंदर फोल्ड कर देंगे जो एक्स्ट्रा होगा, बाकी का कपड़ा हमने इस तरह रखना है कि ये सिलाई के बिल्कुल ऊपर आ जाए। और अब आपने इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, कपड़े के ऊपर लगानी है। इलास्टिक के ऊपर अगर सिलाई लग गई तो फिर आपकी इलास्टिक स्ट्रेच नहीं हो पाएगी, वो खींचेगी नहीं। अब हम इस तरह रख के सेटिंग करते हुए इसको सिलाई लगाते जाएंगे पूरे घेरे में, इस तरह आ जाएगा ये। अब देखिए, इलास्टिक पूरे में आ गई है। अब कपड़े को हमने इस तरह खींच देना है। आपके सामने इस तरह खींच के दिखा रही हूँ ताकि ये कपड़ा और इलास्टिक हमारे बराबर आ जाए। अब हम क्या करते हैं, इसे इस तरह रखते हैं और अब आगे से और पीछे से दोनों साइड से खींच कर इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। इससे इस सिलाई को लगाने का क्या फायदा होता है कि ये जो हमारी इलास्टिक है घूमती नहीं है कभी भी। अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे आप इंटरलॉक जरूर कर दें, मैं बाद में करूंगी इंटरलॉक। ये लीजिए, ये हमारा ऊपर का हिस्सा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब करना है नीचे का हिस्सा फोल्ड। अब हमने जितना हमारा मार्जिन है, 1 इंच का, 1.5 इंच का, जो भी हमने मार्जिन रखा है, लंबाई को पहले सेट कर लें। लंबाई सेट करने के बाद फिर हम इस कपड़े को इस तरह फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं एक गोल्डन पट्टी लगाऊंगी जिससे इस प्लाजो की ग्रेस और भी ज़्यादा आ जाएगी। इसको मैं इजीली फोल्ड करने का एक तरीका बताती हूँ। पहले आप एक एक लेयर को फोल्ड करें।
इस तरीके से आप गोल घेरे को फोल्ड करते हो तो बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है। पहले आप एक एक हिस्सा फोल्ड करें, इस तरह आधा फोल्ड करोगे और उसके बाद दोबारा आधा फोल्ड करेंगे। फिर देखना आप 5 मिनट में आपका सारा घेरा फोल्ड हो जाएगा और आपको कोई झोल भी मतलब सेट नहीं करना पड़ेगा। मैं बिना रुके ये इसी तरह फोल्ड करके दिखाती हूँ। ये लीजिए, ये एक हिस्सा फोल्ड हो गया है। अब इसे दोबारा से इस तरह फोल्ड करेंगे तो आप देखिए बहुत इजीली ये फोल्ड हो जाता है। इसमें अगर अम्ब्रेला स्कर्ट वगैरह को भी फोल्ड करना है तो इसी तरह करेंगे। दोनों घेरे फोल्ड करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ मैं। अब देखिए ये घेरा हमारा यहाँ पे फोल्ड हो चुका है, बहुत ही सफाई से ये फोल्ड हुआ है। यहाँ पे हम इसके नीचे, यहाँ पे घेरे के नीचे एक इस तरह की पट्टी लगाते हैं, इससे इसकी जो ग्रेस है और भी अच्छी आ जाएगी। अब यहाँ पे कहीं से भी आप इसे रख कर लगाना शुरू करें। जो ये बीच वाली सिलाई है कोशिश करें कि यहाँ से शुरू करें। इस तरह नीचे की सेटिंग देखकर इसके पूरे राउंड में नीचे नीचे एक बार सिलाई लगाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ज्वाइंट आ गया है जहाँ पे हमने इसको बंद करना है। यहाँ पे 1 इंच ऊपर कट कर लेंगे इसे और यहाँ पे इसके ऊपर रख के इसे सिल देंगे। अब सिलाई को इधर लेके आते हैं और अब ऊपर की साइड में भी सेम इसी तरह सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करते हैं और इसी तरह दूसरी लेग पे भी लगा देते हैं। देखिए इसी तरह दूसरी साइड में भी लगा लेंगे। अब प्लाजो को मैंने तैयार करके पहन लिया है। ये मैंने खुद का प्लाजो बनाया है, आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट ये प्लाजो बनकर रेडी हुआ है। कलियां बिल्कुल परफेक्ट आई हैं और कहीं भी किसी तरह का कोई खिंचाव नहीं आया है और फ्लेयर तो इसकी बहुत ही अच्छी है। जैसे आप स्कर्ट पहन लेते हो वैसे ही फ्लेयर इसकी बनकर रेडी हुई है। तो आप इसी तरह बनाइएगा, हर टिप को देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। जो लोग बिगनर हैं वो भी इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो ये देख सकती हैं आप, हमारा प्लाजो बनकर तैयार हो गया है। ये मैंने कलियों वाला प्लाजो की जो कटिंग है, पूरी स्टिचिंग है वो आपको बताई है। बहुत ही परफेक्ट ये बनकर रेडी हुआ है। तो इसे मैं पहनकर भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये अभी 1 साइड का घेरा है, जब हम 2 साइड का खोलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे पहना हुआ ये स्कर्ट होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे हम आपके साथ किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।